हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों में उत्साह और जोश है। भाजपा का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उसका स्वागत किया है। लोगों में एक उत्साह और जोश है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र आज रिलीज किया है। लोगों ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने उसका स्वागत किया है और हरियाणा प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास करती है। देश और प्रदेश की जनता को मालूम है कि भाजपा जो बोलती है उसको करती है, कांग्रेस जो बात बोलती है फिर शोषण करती है, वो सजा भाग दिखाती है। उनका जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। जहां जहां भी उन्होंने ये घोषणा की है, आज तक वहां पर किसी को 0% लाभ नहीं दिया, खाली वाहवाही लूटने का काम किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में झारखंड में बीजेपी की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता है। आने वाला दिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता है, ताकि एक साथ चुनाव होने से हर समय चुनाव होने से बहुत सा वादा होता है, आचार संहिता लगता है, काम में रुकावट होता है। एक ही साथ चुनाव हो के एक ही साथ काम चलते रहेगा वो अच्छा। नवादा की घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार किसकी है, सरकार तो उन्हीं की 20 साल से है और आपके राज्य में ये हो रहा है तो आपको पकड़ने से रोका किसने है? आपने बिहार पुलिस का प्रेस रिलीज देखा है, उसमें कौन लोग शामिल, अगर सवाल उठा रहे हैं तो वो झूठा और असत्य कह रहे हैं। देखिए, वो आरएसएस स्कूल में पढ़े हैं, वो उनका बेटा, जो आरएसएस वाले बीजेपी वाले देते हैं वो पढ़ के जो है अपना बयान देते हैं। भाई सरकार किसकी है? सरकार तो उन्हीं की है 20 साल से, केंद्र भी है यहाँ भी, पकड़ो ना, कौन रोके हुए? और तुम्हारे राज्य में हो रहा है, उनके राज्य में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो आपको रोका किसने? पकड़ने से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि क्या महिला आरक्षण लागू होगा, क्या सरकार तैयार है, कब तक लागू होगा? वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट 18,626 पेज लंबी थी और इसे 191 दिनों में पूरा किया गया। लेकिन ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको लिखाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी, लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी, अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी इस पर? दरअसल ये भाजपा ही रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी।